अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक गाइस, आई होप आप लोग जो हैं सारे खैरियत से होंगे। और आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहा हूँ, ये हमारे पास वैगन आर है, VXL मॉडल इसका है और ये 2018 मॉडल जो है, इसका आज मैं रिव्यू आपके साथ करूँगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जो सब्सक्राइब का बटन उसे भी प्रेस करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। आज ये जो वीडियो मैं आपके साथ मैं रिव्यू करना चाह रहा हूँ, ये वैगन आर जो है गाड़ी है हैचबैक सुजुकी की तरफ से और काफ़ी फेमस मॉडल है। तो इसके जो रिव्यू में सबसे पहले मैं आपको साथ जो एक्सटीरियर इसका वो डिस्कस करूँगा और फिर मैं इसका जो इंटीरियर आपको वो उसका सारा विजिट कराऊँगा कि वो किस तरह का है, और एंड पे जो है मैं इंजन की स्पेसिफिकेशन जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं, सबसे पहले इसका जो है फ्रंट देख लेते हैं और एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं कि वो किस तरह का है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम फ्रंट की बात कर लें इस गाड़ी की, तो आप देख सकते हैं कि सामने की जानब जो है इसका ग्रिल लगी हुई है प्लास्टिक की, उसके ऊपर सुजुकी का जो है मार्क लगा हुआ है सिंबल। नीचे की जानब जो है इसका फ्रंट बम्पर बना हुआ है और ये नंबर प्लेट के लिए जगह है। अगर आप राइट साइड भी देखें तो आपको इसकी फ्रंट लाइट मिल जाती हैं और नीचे की जानब जो है यहाँ पर फॉग लैंप के लिए अच्छी जगह बनी हुई है, लेकिन इस मॉडल में जो है फॉग लैम्प जो इंस्टॉल नहीं है, प्री इंस्टॉल नहीं है। राइट साइड में जो है आपको इंडिकेटर मिल जाता है और सेम ऑन द लेफ्ट साइड। तो काफ़ी खूबसूरत जो डिज़ाइन है सुजुकी ने इस गाड़ी का बनाया है, और ये टॉप हैचबैक गाड़ी है जो कि सुजुकी ने बनाई है। काफ़ी ज़्यादा इसकी सेल गाड़ी की है, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद किया, इसकी एवरेज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक्चुअली इसका फ्रंट आप देख सकते हैं, काफ़ी मॉडर्न लुक इसमें प्रोवाइड की गई है 18 मॉडल में। तो अब मैं बात करता हूँ राइट साइड की, और राइट साइड को अपनी तरफ दिखाता हूँ कि राइट साइड पर एक्चुअली ये किस तरह की इसकी लुक है। तो राइट साइड पे आपको जो एक बल्ब मिल जाता है, ये इंडिकेशन बल्ब है, और उसके साथ जो है आपको लेफ्ट विंडो मिरर वो देख सकते हैं आप। और फ्यूल टैंक की जो ओपनिंग है वो भी लेफ्ट साइड पे है। तो ये एक्चुअली इसको ओवरऑल व्यू है, आप लेफ्ट साइड से आप देख सकते हैं टोटल इस तरह की ये कुछ लुक प्रोवाइड करती है। अगर मैं इसकी बैक साइड की बात करूं तो बैक साइड पे जो है आपको एक इसका सिंपल टेल लाइट्स जो है वो आप देख सकते हैं। इसमें जो सबसे ऊपर आपकी लाइट है वो इंडिकेशन लाइट है, नीचे आपकी जो है वो ब्रेक लाइट है, और सबसे नीचे जो है आपकी वो रिवर्स लाइट है जब आप गाड़ी रिवर्स करते हो। और ये नीचे नंबर प्लेट के लिए, ये वैगन आर का जो VXL मॉडल है, इस गाड़ी में जो है दो मॉडल आते हैं VXL और VXR जो है, इनके जो डिफरेंस क्या है वो एक्चुअली कुछ स्पेसिफिकेशन है जो इस गाड़ी में मौजूद है लेकिन VXR में मौजूद नहीं है। और देन जी इस गाड़ी की जो है बैक आप देख सकते हैं कि किस तरह की, काफ़ी अच्छी लुक है इस गाड़ी की। और सेम ऑन द राइट साइड, तो ये एक्चुअली इस गाड़ी की तमाम वो स्पेसिफिकेशन थी जो कि आउट साइड पर आप आपको मैंने लुक दिखाई है कि वो किस साइड पे है, कैसी है इसकी लुक है। तो अगर मैं टायर की बात करूँ तो यहाँ आपको 13 इंच का एक्चुअली जो रेडियस का वो रिम मिल जाता है। और अगर मैं इसकी फ्यूल टैंक की बात करूँ तो इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 37 लीटर है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की कि इसका इंटीरियर कैसा है। ओके, तो अब मूव करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ कि इसका इंटीरियर कैसा है। अगर मैं ड्राइवर सीट ओपनिंग करूं
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ड्राइवर सीट वाला जो इसका डोर है वो किस तरह का रहता है। तो इसमें आपके पास मिरर कंट्रोल है, आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, या पावर विंडो की आप बात करने से पावर विंडो भी कहते हैं, तो वो सारा जो है इस साइड पे लगा हुआ है ड्राइवर सीट पे, और इसको आप लॉक भी कर सकते हैं। इसके साथ ये जिस डोर क्लोज करने के लिए है आपके पास एक जगह बनी हुई है, ये थोड़ा सा कंपार्टमेंट है, यहाँ भी कुछ आप अपनी मर्ज़ी से कोई ना कोई चीज़ जो है कोई रैपर या कोई ऐसी चीज़ जो रख सकते हैं। साथ में इसका जो स्पीकर लगा हुआ है, तो ये इसका जो है ड्राइवर सीट का जो है डोर है कुछ आपको इस तरह का मिलेगा। और ये जो फीचर है आपको लॉकिंग का, ये आपको VXL मॉडल में मिलेगा, VXR मॉडल में ये मौजूद नहीं है। और अगर मैं ड्राइवर सीट की बात करूँ तो ये हैंडल लगा हुआ है जो कि आपको ड्राइवर सीट की जो सपोर्ट होती है इसको एक्चुअली जो है अब एडजस्ट करने के लिए होता है। और नीचे की जानब जो है आपके पास ट्रंक ओपनिंग है, और फ्यूल जो है साइड है उसको ओपनिंग करने के। इसके अलावा आपको नीचे हैंडल मिल जाता है, और इससे आप जो है सीट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। नीचे की जानब आपको तीन पैडल मिल जाते हैं, फर्स्ट वन एक्सेलरेशन के लिए, सेकंड जो है वो ब्रेक है, और थर्ड वन जो है वो क्लच पैडल है। और ऊपर की जानब मूव करें तो आप एक दफ़ा देख लें, दैन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इसमें कौन कौन सी चीज़ मुझे बदलती है। तो इस गाड़ी के अंदर चलते हैं और बैठ के मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा कि इसमें और कौन कौन से फीचर मौजूद हैं। अगर आप इस गाड़ी के अंदर बैठें तो सामने की जगह जो है आपको राइट साइड पे ये फिंच मिल जाती है जो कि एयर कंडीशनर की है, और इसके साथ ये राइट साइड पे जो है आप इसके इंडिकेटर और लाइट्स को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट। सामने की जानब जो है आपको एक्चुअली इसमें 3 मीटर मिलते हैं, ओके। और जो मिड वाला है ये आपको स्पीड जो बता रहा होता है, स्पीडोमीटर जो भी किसे कहते हैं, और लेफ्ट साइड पे जो टैकोमीटर है ये आपको इस गाड़ी के आरपीएम बता रहा होता है कि इस गाड़ी के आरपीएम कितने हैं। तो ये कुछ इस तरह की लुक प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर जो है SRS बैग्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। साथ ही एक और चीज़ है, ये भी सेम AC की हैं। और अगर मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको सिंपल मल्टीमीडिया मिलता है जिसके अंदर आप CD जो है वो इसमें लगा सकते हैं, MP3 भी है, और WMA जो फीचर है वो भी इसमें मौजूद है। यहाँ से आप वॉल्यूम इसका कंट्रोल कर सकते हैं। ये AC बटन है हमारे पास, ये हीटिंग के लिए है। और यहाँ पे आप कुछ इसके कंट्रोल हैं आपको हीटिंग और AC फीचर के, कि आप उनको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड सेम फीचर, फिंस लगी हैं बिल्कुल जिस तरह पहले, और नीचे थोड़ा कम स्टोरेज बॉक्स है जिसके अंदर आप जो है कोई चीज़ रखना चाहें तो रख सकते हैं। और लेफ्ट साइड पे जो है सेम लाइक अ राइट साइड। अगर मैं टॉप की बात करूं तो सामने की जानिब आपको जो है ये सन प्रोटेक्टर एक मिल जाता है, और बैक मिरर आपको मिल जाता है, या रियर मिरर भी जिसे कहते हैं, और लेफ्ट साइड पे भी सेम। इसके बाद ऊपर आपको लाइट मिल जाती है, इस लाइट को ये पुश टू ऑन लाइट नहीं है, इसको आप ऑन करने के लिए आपके पास ये इस तरह के एक बटन लगे हुए, आप इसको स्किप करेंगे। इसमें 3 मोड ऑन कर सकते हैं, आप इसको डोर मोड पे रख सकते हैं, आप इसको ये इसको ऑफ मोड पे रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये इसके एक्चुअली फीचर हैं ऊपर के। एक्चुअली मुझे इस गाड़ी में बैठ के जो सबसे चीज़ अच्छी लगी है वो इस गाड़ी की जो है स्पेस है। इस गाड़ी में ऐसा लगता है कि आप किसी काफ़ी बड़ी गाड़ी में बैठे हैं, और ईजिली जो है आप ड्राइव कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा फ्रंट इसका मौजूद है। ऐसी मैं सिविक की अगर बात कर लूँ तो सिविक में ऐसे ही मैंने चीज़ देखी थी कि आप जब गाड़ी में बैठते हैं तो स्पेस जो है आपको काफ़ी ज़्यादा फील होती है, आप इतना तंग महसूस नहीं करते। तो ये जो गाड़ी है इसलिए ऐसे काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब जो आपको एक अच्छा फीलिंग आती है कि और आप कंफर्टेबल फील जो है वो इसमें करते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसकी सेफ्टी फीचर की बात करूँ तो इस गाड़ी में जो है SRS बैग जो है वो मौजूद नहीं है सेफ्टी फीचर में। तो अब मैं आपकी आपके साथ आपको इसकी की दिखाता हूँ, और आप इसके बाद जो है वो ऑन करते हैं कि किस तरह की नज़र आती है।
तो जो आप किस आपके पास VXL मॉडल आता है उसके अंदर जो है आपको की इस तरह की मिलती है, ये लॉक और इन लॉक का जो इसमें सिस्टम मौजूद है, और इसके साथ साथ आप ये दो कीज़ हैं, एक कीज़ में जो है वो सिंपल आपके साथ लॉक की होती है, मतलब आप सिर्फ उसे अनलॉक कर सकते हैं, और जो दूसरी है इसके अंदर जो ये तमाम फीचर मौजूद हैं जो इसकी ओरिजिनल की होती है, और इस गाड़ी में VXL मॉडल में जो है इमोबिलाइज़र भी है जो कि सिक्योरिटी फीचर है। तो मैं इस गाड़ी को ऑन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसका जो सामने की जानब जो है सारा मीटर सिस्टम जो है वो आपको किस तरह नज़र आता है और उसके अंदर क्या क्या फीचर मौजूद हैं। तो अगर मैं इस गाड़ी को तो ये राइट साइड पे एक्चुअली जो थोड़ी सी जगह आपने देखी थी, एक LCD थी जो इसको बता रही थी कि इसके अंदर जो है इसके अंदर जो इंडिकेशन होती है वार्निंग इंडिकेशन वो आपको शो कराती है, जिसमें बैटरी, हैंड ब्रेक, ऑयल और इसके अलावा जो आपको स्टीयरिंग लॉक है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन। सामने की जानब आपको एक छोटी सी LCD मिल जाती है, नीचे की जानब ये आपको बता रही होती है कि ये गाड़ी जो है वो कितनी चली है, फ्यूल इकोनॉमी आपको बता रही होती है, और इसके अलावा जो है आपको फ्यूल बता रही होती है कि इस गाड़ी के अंदर एक्चुअली फ्यूल कितना मौजूद है। इसके साथ साथ आई थिंक ये आपको ये भी प्रोवाइड करती है कि इस ये गाड़ी जो है इसका टेम्परेचर एक्चुअली कितना है, क्योंकि इसके अंदर जो टेम्परेचर की कोई गेज नहीं लगी हुई। और लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये इसका जो सामने हमारे पास स्क्रीन पे होता है वाइपर, उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है कि आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मिस्ट ऑफ, लो या हाई आप उसको रख सकते हैं। तो एक्चुअली ये इसकी गाड़ी के डैशबोर्ड था जो आपने सारा देखा कि किस तरह का है। नीचे की जानब देखें तो आपको दो कप होल्डर मिल जाते हैं, ये आई थिंक थोड़े से काफ़ी आगे करके लगाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे कप थोड़ा रखना, अगर कोई बड़ा कप हो तो वो उससे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसको यहाँ पे एडजस्ट कराना, बट ओवरऑल जो है ना इसको अच्छी जगह पे रखा गया और इसकी जो स्पेस मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छी है। इसके बाद जो है इसकी मैं ट्रांसमिशन की बात करूँ तो 5 ट्रांसमिशन 1 रिवर्स में आपको ये गाड़ी प्रोवाइड है, क्यों, और इसमें दोनों मॉडल आते हैं भी, एक ऑटोमेटिक भी और मैनुअल भी, लेकिन ये मैनुअल मॉडल है। पीछे की जानब जो है आपको ये हैंड ब्रेक इसकी मिल जाती है, नॉर्मली आप इसको बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, और सेम ये सीट। इसके अलावा जो है दोनों जो फ्रंट सीट पे सीट्स हैं उनके लिए आपको जो है सीट बेल्ट भी वो भी इस गाड़ी में मौजूद हैं। तो ये एक्चुअली इस गाड़ी का ओवरऑल लुक थी फ्रंट की, कि ये फ्रंट सी आपको किस तरह की नज़र आती है, तो काफ़ी स्पेस मैनेजमेंट इस गाड़ी की मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और आप चलते हैं बैक साइड पर और देखते हैं कि जो इसकी बैक है वो किस तरह की है और उसके अंदर कितनी स्पेस मौजूद है। तो अब मैं चलता हूँ और बैक पे आपको दिखाता हूँ कि इस गाड़ी की कितनी स्पेस मौजूद है। बैक पे आपको जो है विंडो कंट्रोल नहीं मिलता है इस गाड़ी में, सिंपल आपको आप जो बाय हैंड जो इस मिरर को ऊपर नीचे करेंगे, और साथ आपको डोर लॉक मिल जाता है और नीचे के जैम स्पीकर हैं, सीट बेल्ट इसमें भी लगे हुए हैं, और कुछ इंटीरियर इस गाड़ी का ऐसा नज़र आएगा आपको। तो अभी इसके अंदर जो है मैं बैठता हूँ और आपको चेक कराता हूँ वैसे स्पेस कितनी है इस गाड़ी की, एक मेरी हाइट के अकॉर्डिंग जो है 5'11" है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी स्पेस कितनी है, आप कंफर्टेबल इसमें फील करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके, तो फिलहाल मैं इस गाड़ी के अंदर आ गया हूँ और थोड़ी सी लग्स जो मेरी हैं वो टच कर रही हैं सीट को, उसकी रीज़न ये है कि उनकी जो फ्रंट सीट है ये मैंने बिल्कुल फुल पीछे की हुई है, तो थोड़ी बहुत टच हो रही है, बट दैट्स ओके, नॉट अ बिग इशू, उसके बावजूद जो है कंफर्टेबल फील हो रहा है। तो इसके अलावा ये इस गाड़ी में एक तो ये है कि 3 लोग जो हैं वो इजली बैक साइड पे बैठ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, इतनी स्पेस मौजूद है, और ऑन द लेफ्ट साइड जो है ये कुछ स्टोरेज के लिए भी इसमें जगह मौजूद है, लेकिन राइट से जो पैसेंजर सीट है उसमें मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर हैंडल लॉक की बात करूँ तो यहाँ पर जो है आपको एक हैंडल जो है लॉक मिल जाता है, और उसके अलावा जो ऊपर क्लिप लगा हुआ है ये इसको लॉक करने के लिए है और अनलॉक करने के लिए डोर को। ऊपर की जानब आपको ये हैंडल मिल जाता है, आप गाड़ी में बैठने के लिए मोस्टली जो है यूज़ करते हैं इसको, अगर इस साइड पे मैं दिखा सकूँ, ये आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे जो हैंडल है ये लगा हुआ है, और अब अगर आपने गाड़ी में बैठना होता है तो आप इसको पकड़ के बैठ सकते हैं, बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं बड़े लोग वो इसको यूज़ करते हैं।
तो सामने की जानिब जो है कुछ बैक इसकी इस तरह की है। इसके साथ साथ जो पीछे है इसको आपको कोई स्पीकर नहीं मिलते हैं। बहुत सी गाड़ियों में पीछे स्पीकर सिस्टम लगा होता है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है। वो उसकी रीज़न ये कि वो स्पीकर जो आपको फोर हैं वो फोर डोर में आपको स्पीकर मिल रहे हैं। तो ये इसका बैक है कुछ इस तरह से। ओवरऑल जो ये गाड़ी है काफ़ी ज़्यादा ओपन है। आपको ये बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आप कोई ऐसी तंग हैचबैक में बैठे हुए हैं कि आपको बैठने से महसूस हो कि हम बहुत कम स्पेस है। ड्राइविंग इसकी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है इस गाड़ी की जो ड्राइविंग है कि आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आप फील करते हैं जब भी आप इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं। और अगर आप बैक साइड पर बैठते हैं तो आपको जो इसका फ्रंट है वो कुछ इस तरह नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी की, और अगर मैं सियाज की बात करूँ तो ऑलमोस्ट जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो डिज़ाइन है वो तकरीबन सेम ही है। और कल्टस की जो वीडियो वो भी मैं कुछ दिनों तक अपलोड करने लगा हूँ, उसका भी तकरीबन जो है आप देखेंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम वाला और इसका डैशबोर्ड भी इन्होंने तकरीबन सेम ही रखा हुआ, थोड़ी बहुत चेंजिंग की हुई है। इसके अलावा इसके अगर आप ऊपर देखते हैं रूफ़ पे तो आपको एक चीज़ नहीं मिलती जिसे हम रीडिंग LED कहते हैं, मोस्टली तौर पर दरमियान में लगी होती है कि अगर आपने कोई चीज़ रीड करनी है या तो आप जो है उसको ऑन कर सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी में ये मौजूद नहीं है। तो ये ओवरऑल इसकी फ़ीचर थी। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इस गाड़ी का जो इंजन है वो कितना CC का है और उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की होगी है। तो चलते हैं इसके इंजन की तरफ। ओके, तो फाइनली अब मैं आपके साथ इसके इंजन की स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करता हूँ कि इस गाड़ी का जो इंजन है आपके कितने CC का है। तो ये गाड़ी जो है 1000 CC इंजन के साथ आती है। फ्रंट की जानब ये सुजुकी का कवर है और EFA मॉडल है। नीचे इसका इंजन लगा हुआ है। ऑन द लेफ्ट साइड बैटरी इसकी, राइट साइड पे फ्यूज बॉक्सेस और ये इसका कंप्यूटर लगा हुआ है। सामने की जानब जो है आप रेडिएटर इसका देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से आप पानी इसका कनेक्ट करते हैं। ये जो तमाम वायर्स हैं ये इसकी एक्चुअली AC के हैं। तो ये गाड़ी जो है इसका इंजन का नाम जो है सुजुकी ने दिया है KB10 और ये 1000 CC में है। इसके अलावा जो इसकी स्पेसिफिकेशन में आपने बताई है कि वही इसका जो कंप्रेशन रेशियो है वो 10:1 है, जो कि काफ़ी अच्छा है, जो कि मोस्टली तौर पे डीजल में होता है। इसके अलावा जो मुझे एक चीज़ गाड़ी की अच्छी चीज़ लगी है वो ये कि इस गाड़ी में क्योंकि यूरो मिशन को इस्तेमाल किया गया, यूरो आई थिंक 2 या 4 है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो ऐड किया गया। और कैटालिटिक कन्वर्टर आज कल जो भी गाड़ियां आ रही हैं नई उनमें तकरीबन मौजूद है, और ये एक इन्वायरमेंटल सेफ्टी फीचर है जिसको गाड़ी में ऐड किया जाता है। तो ये इसका कुछ इंजन है। और इसके अलावा स्पेस जो है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली जो है इसके साउंड किस तरह का है। और फाइनली मैं गाड़ी में आ गया हूँ और आपको मैं अपने दिखाऊंगा कि इस गाड़ी को जो स्टार्ट करने के बाद जो है इसका इंजन साउंड कैसा है, और आप जब गाड़ी में बैठते हैं तो आपको कितना साउंड जो है बाहर के अंदर की जानब जो है वो फील होगा। तो सबसे पहले आप ये कुछ इंडिकेशन है और आप स्टार्ट करते हैं और ये स्टार्ट होगी। आप देख सकते हैं अभी ये गाड़ी जो है तकरीबन 1000 RPM पे, 1000 RPM पे जो ऑपरेट कर रही है इसका इंजन, और इसके बावजूद जो है आपको अंदर की जानब जो है कोई साउंड नहीं मिल रहा। तो दिस इज़ नॉट अ साउंड प्रूफ ऑफ कोर्स, बट जो साउंड है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया गया है तो कि वो गाड़ी के अंदर कम से कम आए। अगर मैं ट्रंक की बात करूं तो ये आप बैक साइड पर इस गाड़ी का ट्रंक देख सकते हैं, लेकिन इसके ट्रंक आपको मैंने पहले बताया कि ये अब की के थ्रू ओपन नहीं कर सकते हैं, तो आपको अंदर से जो एक स्पेस है एक गाड़ी के, तो इसलिए आपको ये जो ट्रंक है ये अंदर से ओपन करना पड़ेगा। और ये ट्रंक की आपके साथ मैंने जगह बताई थी ओपनिंग ऑफ, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रंक। ट्रंक को आपको किस तरह नजर आएगा। ये ऊपर एक कवर है प्रोटेक्शन के लिए,
और आपको बहुत ही कम स्पेस मिलती है बैक पे, मतलब हैचबैक है और उसके नस्बत बस थोड़ी सी जगह है, इतनी ज़्यादा आपको स्पेस नहीं मिलती है। ये इसकी होक के आप इसको ओपन करें और नीचे की जानब जो है आपको जो स्पेयर टायर है वो मिल जाएगा और साथ में आपको इसका जो जैक है वो भी प्रोवाइड किया गया। तो काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट इसकी रही है, बट मुझे इसकी जो स्पेस है वो बहुत कम लगी है कि इसकी जो अंदर स्पेस है बैक साइड पे वो बहुत कम है। तो ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है कि आपको अगर ज़्यादा स्पेस चाहिए या नहीं चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।